तो स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा हार्ट के बारे में डिटेल में देखते हैं। थोड़ा हार्ट हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और सर्कुलेटरी सिस्टम की तो जान है। स्टूडेंट्स, ये फोटोग्राफ आप देखेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हार्ट हमारे बॉडी में कहां पर लोकेटेड है स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसके साइज का भी आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। इनफैक्ट आपको साइज का अगर आइडिया लेना है स्टूडेंट्स, तो आप इस फोटोग्राफ को देखें। ये एक ह्यूमन हार्ट को बॉडी से निकाल के डॉक्टर जो है वो अपने हाथ में रख रखा है, तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि हार्ट कितना बड़ा होता है स्टूडेंट्स। जनरली बुक्स में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि हार्ट का जो साइज होता है वो फिस्ट के बराबर होता है। फिस्ट मतलब मुट्ठी, हमारे मुट्ठी के बराबर होता है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, इस फोटोग्राफ से आप हार्ट का शेप भी समझ सकते हैं कैसा होता है। आप देख सकते हो कि कुछ कुछ ट्रायंगुलर शेप होता है हार्ट का, ट्रायंगुलर, ठीक। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमें इस फोटोग्राफ पे कंसंट्रेट करना चाहिए, इससे हमें और बहुत डिटेल चीजें पता चलेगी। देखो स्टूडेंट्स, हमें पता चल रहा है कि जो हार्ट है वो चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है, चेस्ट कैविटी में, थोरैसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है, इनसाइड रिब केज, ठीक है स्टूडेंट्स। रिब केज के अंदर क्यों है स्टूडेंट्स वो, क्योंकि हार्ट जो है वो डेलिकेट होता है, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो रिब केज उसको प्रोटेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स, आप देखें कि हमने यहां पे पढ़ाई है कि यहां पे लंग्स होते हैं, दो लंग्स होते हैं हमारे, तो स्टूडेंट्स हम समझ सकते हैं कि हार्ट जो है वो लंग्स के बीच में होता है और नीचे ये डायफ्राम है, तो हार्ट लंग्स के बीच में होता है, डायफ्राम के ऊपर होता है। और प्लीज नोट स्टूडेंट्स कि हार्ट जो है वो चेस्ट के सेंटर में होता है, सेंटर में, ठीक है, सेंटर में। देखो इस पॉइंट को मैं क्यों इंफेसाइज कर रहा हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि जनरली डे टू डे लाइफ में ऐसा सोचते हैं कि हार्ट जो होता है वो बॉडी के लेफ्ट पार्ट में, चेस्ट के लेफ्ट पार्ट में सिचुएटेड होता है, जबकि स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। अब देखिए, हार्ट जो है वो सेंटर में सिचुएटेड है, हाँ हमें फील वो लेफ्ट में होता है लेकिन एक्चुअली वो सेंटर में होता है। तो आप सोचोगे यार जब सेंटर में होता है तो फील लेफ्ट में क्यों होता है, तो उसके दो रीजंस होते हैं स्टूडेंट्स। देखो एक रीजन तो स्टूडेंट्स ये होता है कि आप देखें हार्ट भले सेंटर में है लेकिन उसका थोड़ा सा पार्ट जो है, थोड़ा सा पार्ट वो एक्चुअली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है, लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है, ठीक है। तो मेजर पार्ट ऑफ हार्ट इज एट द सेंटर बट सम पार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, तो एक तो ये कारण है कि वो लेफ्ट में फील होता है हमें। इनफैक्ट एक और इंपॉर्टेंट कारण है स्टूडेंट्स, विच इज अ स्ट्रॉन्गर रीजन, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद ही समझ पाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक। बट बेसिकली मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा था कि हार्ट जो है वो सेंटर में लोकेटेड होता है, बॉडी के सेंटर में, चेस्ट के सेंटर पे, लेफ्ट में, लेफ्ट में बस थोड़ा सा टिल्टेड होता है। तो स्टूडेंट्स, हार्ट के अगर लोकेशन के बारे में बात करना हो तो हम बोल सकते हैं थोड़े से कैविटी में, इनसाइड रिब केज, बिटवीन लंग्स, अबव डायफ्राम, ठीक है, दूसरा सेंटर ऑफ चेस्ट कैविटी या थोरैसिक कैविटी, टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। हम देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि हार्ट के अंदर क्या है। सपोज को इस हार्ट को हम काटते हैं तो इसके अंदर हमें क्या चीजें दिखाई देंगी, दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि हार्ट के अंदर क्या है स्टूडेंट्स। तो देखें स्टूडेंट्स, एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, हार्ट को अगर बीच से काटा जाए तो उसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है स्टूडेंट्स। क्या ये स्ट्रक्चर है, वील जस्ट हैव अ लुक। सबसे पहले तो आप देखें स्टूडेंट्स कि बाहर जो हार्ट के वो मसल्स दिखाई देते हैं हमें, मसल्स, जैसे मैं पिछले साइड पे जा रहा हूं, देखें हार्ट बाहर से आपको मस्कुलर दिखाई दे रहा है, मस्कुलर। तो ऑब्वियसली हार्ट की जो वॉल्स है वो मसल्स की बनी हुई होती है और वो कार्डियोइक मसल्स की बनी होती है। मसल्स के बारे में हमने लोअर क्लास में पढ़ाया कि मसल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में कई तरीके के होते हैं, कार्डियक मसल भी एक तरीके का मसल होता है, हार्ट जो है वो इसी मसल से बना होता है। कार्डियक का मतलब ही होता है समथिंग रिलेटेड टू हार्ट, कार्डियक मसल मतलब वो मसल जिससे हार्ट बना होता है, ठीक। थोड़ा अलग टाइप का मसल होता है क्योंकि हार्ट को बहुत अलग टाइप के काम करने पड़ते हैं कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, कैसे काम होता है हम देखेंगे। फिर स्टूडेंट्स, यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप देखें कि यहां पर एक चेंबर दिखाई दे रहा है आपको, एक होल दिखाई दे रहा होगा, यहां पर एक होल दिखाई दे रहा होगा, आप ध्यान दें, चेंबर, यहां पर एक चेंबर या होल दिखाई दे रहा होगा और यहां पर एक चेंबर और होल दिखाई दे रहा होगा। तो दीज फोर चेंबर्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, दीज फोर चेंबर्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, इनको बोलते हैं फोर चेंबर्स ऑफ हार्ट। हार्ट में से फोर चेंबर्स या कंपार्टमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। क्या क्या नाम होते हैं उनके देखें, जैसे ये जो चेंबर है स्टूडेंट्स उसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम, ATRIUM, राइट एट्रियम। दिस कंपार्टमेंट, दिस चेंबर इज कॉल्ड राइट एट्रियम, एट्रियम, प्लीज नोट द वर्ड। और ये जो कंपार्टमेंट है ये भी एट्रियम है लेकिन ये लेफ्ट साइड में बॉडी के, इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम,
ठीक है स्टूडेंट्स। फिर ये दोनों इनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल और इस चैंबर को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। ठीक है, तो दीज आर द फोर चैंबर्स ऑफ द हार्ट एंड दैट इज द मेन थिंग इन द हार्ट, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इन चैंबर्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स। फिर आप यहां पे कुछ ट्यूब्स भी देख रहे होंगे, इनके बारे में हम बात करेंगे। दीज आर एक्चुअली ब्लड वेसल्स जो ब्लड कैरी करती हैं, हार्ट तक ब्लड लाती हैं या हार्ट से ब्लड ले जाती हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे स्टूडेंट्स। कुछ और चीजें देखते हैं यहां पे स्टूडेंट्स। आप देखें यहां पर एक लेयर दिखाई दे रही होगी स्टूडेंट्स आपको, ठीक है, ये जो लेयर है वो इस ट्यूब के पीछे भी है, इस ट्यूब के पीछे भी है, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रही। ये जो लेयर है उसको स्टूडेंट्स बोला जाता है सेप्टम। ये जो है स्टूडेंट्स बेसिकली एक पार्टीशन है, पार्टीशन। कैसा पार्टीशन स्टूडेंट्स? तो देखें ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, तो ये जो है वो हार्ट का राइट पोर्शन है, ठीक है, ये दोनों मिलके, ये दोनों चैंबर्स मिलके। और ये दोनों चैंबर्स को देखें, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये दोनों चैंबर्स मिलके हार्ट का लेफ्ट पार्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स राइट पार्ट जो है और लेफ्ट पार्ट जो है उनके बीच में एक पार्टीशन होता है, पार्टीशन, वो है सेप्टम। इस पार्टीशन के कारण कोई भी चीज जो राइट पार्ट में है वो लेफ्ट में नहीं जा पाएगी, लेफ्ट में नहीं जा पाएगी, और जो लेफ्ट पार्ट में है वो राइट में नहीं जा पाएगी। तो दिस सेप्टम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए यहां पर ये क्या चीज आपको दिखाई दे रही है, दिस इज एक्चुअली अ वाल्व। वाल्व क्या होता है स्टूडेंट्स? वाल्व ऐसी कोई चीज होती है जो वन वे फ्लो अलाउ करती है, वन वे फ्लो ऑफ लिक्विड, वो किसी लिक्विड या गैस का वन वे फ्लो अलाउड करती है। जैसे मतलब यहां पर अगर ब्लड है स्टूडेंट्स, ठीक, तो वो ब्लड जो है फ्लो होके यहां आ सकता है इस वाल्व से। राइट एट्रियम में कोई ब्लड है तो वो फ्लो होके राइट वेंट्रिकल में आ सकता है इस वाल्व से, लेकिन उल्टा फ्लो नहीं हो पाएगा, उल्टा फ्लो नहीं होने देता है वाल्व। इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है जो आगे हम देखेंगे। उसी तरह से स्टूडेंट्स यहां पर भी एक वाल्व होता है बिटवीन दीज टू चैंबर्स, तो इसमें भी क्या होता है कि ब्लड अगर यहां पे है तो फ्लो के इस चैंबर में आ सकता है लेकिन उल्टा फ्लो नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहां पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है, वैसे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वाल्व है स्टूडेंट्स, वन वे वाल्व। वैसे स्टूडेंट्स आप देखिए एक यहां पर भी वाल्व है, दिस वंस अगेन अ वाल्व। ये वॉल्व भी क्या करता है स्टूडेंट्स? वन वे फ्लो ब्लड का अलाउ करता है, मतलब ये जो राइट वेंट्रिकल है उससे इस ट्यूब में ब्लड को जाने दे सकता है वो, लेकिन उल्टा फ्लो नहीं होने देगा, ठीक। वैसे स्टूडेंट्स एक और वॉल्व होता है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें यहां पर, यहां पर, यहां पर एक वॉल्व होता है जो इस ट्यूब में, ये जो रेड रंग की आपको ट्यूब दिख रही है, पूरी नहीं दिख रही है क्योंकि ये पीछे है ब्लू वाले ट्यूब के, उसमें खुलता है वो वॉल्व, वो भी वन वे फ्लो ऑफ ब्लड अलाउ करता है कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस चेंबर से इस ट्यूब में, ठीक। तो इस तरह से ये चार वाल्व्स होते हैं, इनका क्या रोल है वील सी देम, वील सी दैट। तो स्टूडेंट्स हमने हार्ट के कुछ मेजर पोर्शंस देखे, और भी चीजें हम बाद में देखेंगे। क्या मेजर पोर्शंस देखें कि फोर चेंबर्स होते हैं हार्ट में, ठीक है, उनका नाम देख लिया, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर स्टूडेंट्स हमने देखा कि राइट और लेफ्ट पार्ट जो है हार्ट का उनके बीच में सेपरेशन है, दैट इज कॉल्ड सेप्टम। फिर यहां पर एक वाल्व था, यहां पर एक वाल्व था, और दो वाल्व्स और थे जो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स। एक और चीज होती है स्टूडेंट्स, हालांकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, हार्ट के चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ इस तरीके से एक कोटिंग होती है चारों तरफ, ठीक, एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, एक लेयर होती है पतली सी, पेरिकार्डियम बोलते हैं उसको। उसका मेजर काम होता है स्टूडेंट्स हार्ट को प्रोटेक्ट करना, और हार्ट को वो उसका शेप देती है, ठीक है, वो उसका शेप मेंटेन करती है, तो दैट इज अ लेयर कॉल्ड पेरिकार्डियम। फिर स्टूडेंट्स जैसे मैं आपको पहले बोला भी कि ये जो ट्यूब्स होती हैं जो आप ब्लू और रेड में देख पा रहे हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उनका भी कुछ कुछ नाम है, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ये ट्यूब्स करती क्या होंगी ये तो आप समझ रहे होंगे, इनके थ्रू ब्लड जो है वो हार्ट में आता होगा या हार्ट से जाता होगा स्टूडेंट्स। जाने से पहले सेप्टम के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि सेपरेट्स राइट एंड लेफ्ट हार्ट,
ठीक है, राइट और लेफ्ट पार्ट को वो अलग अलग करती है। तो स्टूडेंट